हेलो दोस्तों, आज हम बच्चों के लिए एक फिश शेप का पेंसिल पाउच बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये दो क्विल्टेड कपड़े लिए हैं, जिसको मैंने पिंक कलर के धागे से क्विल्ट किया है और इसको मैंने एक पत्ते का शेप दिया है और इसका साइज है इस तरफ है 10.5 इंच है, 10.5 इंच, और इस तरफ है 5.5 इंच, 5.5 इंच। अब ये जो मैंने किस तरह से कट किया है, पहले मैंने कागज में इस तरह से शेप दे दिया है, फोल्ड करके शेप दिया है ताकि दोनों तरफ एक जैसा उसका शेप आए। अब ये एक कपड़ा लिया है, कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लिया है, इस तरफ है इसका साइज 5 इंच और इस तरफ है 4.5 इंच, 4.5 इंच। अब ये जो कपड़ा है, इस तरफ हमें इसका मुंह रखना है मछली का, तो ये कपड़ा हम यहाँ पर उल्टा रखेंगे और यहाँ से यहाँ तो हम 2.5 इंच पे पहले मार्क करेंगे, 2.5 इंच पे। यहाँ पर हम एक कपड़े को इस तरह से रख के यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है, अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर ऊपर में सिलाई लगा देंगे और फिर इसको उल्टा करके यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है, अब हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। इसी तरह दूसरे कपड़े में भी हम लगा देंगे इस तरह का कपड़ा और ये दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब हमें इसमें आँख लगानी है, तो उसके लिए मैंने ब्लैक कलर का बटन लिया है और ये वाइट धागे से मैं इसको लगाऊंगी। दोनों में मैंने लगा दिया है। अब हम एक दो लाइनिंग का कपड़ा लिया है जो सेम इसी के साइज का है, इसी के सेम का और साइज का, और एक जिप ली है जो 10 इंच की है। जिप 10 इंच की ली है और दोनों तरफ जो कपड़े हैं वो 1.5 इंच के मैंने लगाए हैं, 1.5 इंच का। अब हमें कोई भी एक कपड़ा लेंगे, ये क्विल्टेड किया हुआ, उस पर हमें जिप लगानी है। तो जिप को पहले इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर निशान कर लेंगे या फिर कैंची से थोड़ा सा कट कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम कट कर लेंगे। कट करने में ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ही कट हो। अब ये जो कपड़ा है उसमें भी हम इस तरह से फोल्ड करके कट कर लेंगे, बीच का निशान करेंगे। दूसरे कपड़े में भी मैंने ये मिडल मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर ये मिडल मार्क और जिप का जो मिडल मार्क है दोनों को मिला के इस तरह से रखेंगे और ये फिर यहाँ पर सिलाई कर देंगे और उसके ऊपर ये जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको रख के सिलाई करेंगे, एक के बाद एक करेंगे क्योंकि ये कर्व शेप है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये मैंने सिलाई कर दी है और इसको हमें यहाँ इस तरह से सीधा करना है, पर उसके लिए हमें पहले यहाँ पर कट लगाने होंगे। और फिर इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, ये सीधा हो गया और अब हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है,
और यहाँ पर हमें जो जिप का जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर हमें ये दूसरा पार्ट लगाना है। तो इसमें मैंने ये इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों का आँख वाला पार्ट है वो एक सामने सामने आए, और यहाँ पर जो दोनों का जिप का और इसका दोनों का मिडिल मार्क मिला के हम इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। ये मैंने सिलाई करके जोड़ दिया है। अब ये जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको हमें यहाँ पर लगाना है, उल्टा करके लगाएंगे यहाँ पर। ये मैंने जोड़ दिया है और अब पहले तो हम कट लगाएंगे। ये मैंने कट लगा दिया है और अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और फिर दाग सिलाई लगानी है। तो उसके लिए ये थोड़ा सा कौ सेप है तो थोड़ा सा सिलाई करने में थोड़ी ध्यान रख के करनी पड़ेगी। अब हमें ये दो मैंने पीस लिए हैं जो इस तरह का सेप है। पहले मैंने इस तरह से कागज में कट कर लिया था और फिर कपड़े में कट कर लिया। अब ये जो फोम है, फोम के ऊपर ये जो कपड़ा है उसको सीधा रखना है और इसके ऊपर ये जो दूसरा कपड़ा है उसको उल्टा रखना है, और तीनों को हमें यहाँ से यहाँ तक जोड़ देना है। नीचे सिलाई नहीं करनी है, यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने सिलाई कर दी है और जो एक्स्ट्रा फोम था उसको कट कर लिया है, और यहाँ पर हम छोटे छोटे कर्ष लगा देंगे और फिर ये जो दोनों कपड़े हैं उसमें से हमें सीधा करना है। ये मैंने सीधा कर दिया है। अब इस पर हमें यहाँ पर बॉर्डर पे एक सिलाई करनी है और एक बीच में सिलाई करनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है, इस तरह से हो गया है ये। अब हमें इसको यहाँ पर जो आंख वाला पार्ट है उस तरफ नहीं, उसके सामने तरफ हमें सामने की तरफ हमें लगाना है। इसको इस तरह से ट्विस्ट करके हम यहाँ पर लगाएंगे। और इसमें सिलाई करते यहाँ पर सिलाई करनी है, तो सिलाई करने में हमें ध्यान ये रखना है कि उसके साथ यहाँ पर सिलाई करेंगे, यहाँ पर ये सिलाई में ये अंदर आ जाए नहीं, उस तरह से ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैं इसको ट्विस्ट करके पहले पिन लगा देती हूँ। इसको इस तरह से पहले पिनअप कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर रख के सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा खुला रखा है जो लाइनिंग का कपड़ा था उसमें। अब हम नीचे की तरफ यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे। और ये लाइनिंग के कपड़े में भी एक दो लगा देंगे। अब हमें यहाँ से हमें इसको सीधा कर लेना है। ये अब सीधा हो गया है। अब ये जो लाइनिंग का कपड़ा था जहाँ पर हमने सिलाई खुली रखी थी वहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। ये सिलाई हो गई है। अब हम इसको अंदर में डाल के अच्छे से सेट करेंगे और ये पाउच एकदम रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये पाउच, फिश शेप का, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।